तमाम एनिगाटी फ्रेंड्स को वजे समथिंग आज में बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, बाहर का मौसम ना तो खिलखिलाते रंग बिरंगे फूलों का मौसम होता है, और जाति बाहर का मौसम ये नहीं कि आपके जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स जिन पे रंग बिरंगे खिलखिलाते फ्लावर्स खिले हुए थे वो तमाम ही है ख़त्म हो जाएंगे, उनका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जाति बाहर का मौसम जिन प्यारे प्यारे फूलों पे है, खूब सब फ्लावर्स खिले होते हैं, उनकी सीड कलेक्शन का भी सीज़न होता है जाति बाहर का मौसम। और इस वक्त ये खूब सब प्यारे प्यारे से आप ये फ्लावर्स देख रहे हैं, इसे लिनेरिया कहते हैं, फ्लावर्स को कहते हैं। दूसरा इसका जो नाम है, अगर फ्लावर के हवाले से रिजेंबलेंस किया जाए तो इसे बेबी स्नैप ड्रैगन फ्लावर्स कहते हैं। इधर अगर मैं थोड़ा सा कैमरा मूव करूं तो ये स्नैप ड्रैगन के फ्लावर्स हैं। ये कुछ बड़े साइज़ के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं लिनेरिया के हैं, ये थोड़े से छोटे छोटे टाइनी टाइनी फ्लावर्स होते हैं। और इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा ये विंटर के स्टार्टिंग सीजन में, बाहर के शुरू में है, जैसे मैंने बताया कि खिलखिलाते रंग बिरंगे इनमें मल्टी मल्टी कलर के फ्लावर्स खिले हुए थे, अपने देखने और चाहने वालों के लिए बकायदा है वीडियोस भी आई थी। और अभी भी लाजमी बात है, वीडियोस अभी भी आ रही हैं कि आज जैसे मेरे वीडियो में तमाम वो टेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके सीड्स हैं कलेक्ट आउट करेंगे आप। बिल्कुल जी, इसके सीड्स बनते हैं, और इसमें ना तो मेरे पास ये कलर है, इसमें आपको ये कासनी डार्क है, पिंकिश नज़र आ रहा है, वाइट भी है, येलो भी है, यानी तीन चार मेरे पास हैं ये लिनेरिया में कलर्स है। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसमें सीड्स हैं, पॉट कैसे बनते हैं, कैसे आप इसके सीड्स कलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे घर फ्रेंड्स है, ये आप देख रहे हैं, ये तमाम ही तमाम है इसमें, ये लिनेरिया में ये सीड्स हैं, यहाँ ये इसके अंदर है, सीड पॉट बनते हैं। अब आपको जरा थोड़ा सा क्लोज में व्यू बताऊंगा उसके अंदर। जैसे मैंने गाड़ी फ्रेंड्स देख रही हैं, ये तमाम ही ये लिनेरिया के हैं, ये सीड पॉट्स हैं, यानी जब अच्छी तरह ये डार्क ब्राउन हो जाएं तो तब आप मैंने इसको इनको मैंने कट ऑफ किया था, और इन्हीं सीड पॉट में ये ऊपर की तरफ आके, इसमें ऊपर की तरफ है, ये मुंह है, ओपन होता है अच्छी तरह डार्क ब्राउन होने के बाद, और इसमें बिल्कुल छोटे छोटे जैसे पोचोलाका के सीड्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स। अभी आपको सीड्स भी मैं दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी मैं शेप बता रहा था कि सीड पॉड में किस तरह के सीड पॉड होते हैं। जब हरे होंगे तब तब आपने नहीं करना, अच्छी तरह जब ब्राउन आउट हो जाएंगे तब आपने इसको कट ऑफ करना है किसी से सीजर से कैंची से। और ऊपर की तरफ है ये, देखें यहाँ से ये ऊपर सीड पॉड के ऊपर है, यहाँ से सीड्स हैं। अगर आप नहीं कलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये बिखर जाएंगे। अब आपको सीड्स भी दिखाते हैं, ये लिनेरिया के खूबसूरत से सीड्स हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे टाइनी सीड्स होते हैं। जैसा ये मेरे गाड़ी फल देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह के, ये बारीक बारीक ये जैसे ये सीड्स होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, इतने तो पोर्चो ला कर भी नहीं होते। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक हैं, ये मैंने एडवांस अभी वो सीड पॉट में से निकाले हैं। तो ये इस तरह के ये लिनेरिया के बिल्कुल बारीक बारीक ये सीड्स होती हैं। अगर आप उसके सीड पॉट के अंदर भी रहने दें ना, मैंने तो उसको प्रेस आउट करके यहाँ से सीड्स निकाले आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि लिनेरिया के जो सीड्स हैं कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। मेरे गर्लफ्रेंड्स, जहाँ बाहर के मौसम में लिनेरिया पे है छोटे छोटे टाइन यानी खिलखिलाते फ्लावर्स खिले हुए थे, वहाँ वहाँ उतने ही है फ्लावर्स डाई होने के बाद है सीड पॉड अब बनने का सिलसिला स्टार्टअप है। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को आज के ये जो लिनेरिया के सीड कलेक्शन है नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे करेंगे ये वीडियो पसंद आएगी। बाय फ्रॉम वाजेश समथिंग आर।